नमस्कार दोस्तों, बॉबू यूके 04 में आपका स्वागत है। इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों मैं ठीक वोट हाउस क्लब के पास हूँ। तो दोस्तों मंदिर में आरती हो रही है, उसका भी आपको घंटी सुनाई देगा। तो दोस्तों मैं अभी मॉर्निंग में तो मैं निकला हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी तो दोस्तों यहाँ पर पंप हाउस है जो झील में। तो दोस्तों एक सबसे ख़ास बात नैनीताल की खूबसूरती, तो दोस्तों एक ही जगह में खड़ा होकर सभी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। मॉर्निंग में देखे तो इतना क्लियर मौसम है आजकल दो दिन से, और वेदर काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। यहाँ पर वोट हाउस क्लब के पास इतनी सीढ़ी थी, और सारी सीढ़ी ख़त्म होकर अब मैं देख सकते हैं नीचे झील के बीच में आकर, इतना नीचे झील काफ़ी नीचे आकर मैं बिल्कुल झील में नीचे, आप लोग देख सकते हैं इतना ज़मीन में नीचे आकर मैं आपको ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। काफ़ी नीचे 8-9 फीट करीबन पानी नीचे है, काफ़ी अच्छा, कोई भी हवा नहीं, बिल्कुल बादल नहीं, और बिल्कुल क्लियर वेदर है। इस वक्त सामने आरती होता हुआ, आरती का आपको घंटी सुनाई देगा, शनि मंदिर की आरती है दोस्तों। तो मैं आज इस तरफ हूँ, और मैं वैसे भी थोड़ा लेट हूँ बोट हाउस क्लब, और यहाँ पर बोट स्टैंड सबसे बड़ा बोट स्टैंड है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखें वाटर लेवल बहुत ही नीचे, देखिए कितना नीचे जाकर झाड़ू लग रहा है, झील का लेवल देख सकते हैं। तो बोट यहाँ पर इतने नीचे, मैं वहाँ पर जाके शूट कर रहा हूँ दोस्तों, इतना लेवल कम है, और कोई भी हवा नहीं, और कोई भी बादल नहीं। इस तरह का मौसम है यहाँ से बोट स्टैंड से। तो आगे को निकलता हूँ, सामने देख सकते हैं बैंड हाउस, और ये रहा बैंड हाउस। तो यहाँ पर आए हैं बैंड हाउस के तरफ घूमने का, काफ़ी झील का दृश्य आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चिड़ियाओं की आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा गुरैया होता हुआ आपको दिखाई देगा, हल्की सी आवाज़। तो इस तरह का कुछ व्यू दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग में कुछ इस तरह का, सामने जो है कैपिटल सिनेमा। तो दोस्तों यहाँ के पास चिल्ड्रन गार्डन में यहाँ पर कुछ लोग झूला झूलते हुए आपको दिखाई देंगे। सामने देखिए मॉर्निंग में 6:30 बज रहा है, धूप के साथ साथ आधा छाँव, और काफ़ी अच्छा आपको वेदर इस वक्त बहुत ही अच्छा वेदर है। जो भी यहाँ अभी घूमने आते हैं बिल्कुल ही क्लियर वेदर है, कोई भी बारिश नहीं, हल्का सा मॉर्निंग में हल्का सा ठंडा है दोस्तों, आज कोई भी हवा नहीं, और काफ़ी अच्छा वेदर। इस तरह का कुछ काम चलता हुआ, यहाँ पर सुंदरीकरण के लिए कुछ खुदाई चली है। तो दोस्तों यहाँ पर के साथ साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये DSA मैदान का पूरा फुल दृश्य दोस्तों, यहीं से आपको पूरा अपडेट आपको मिल सकता है। मौसम देखें, मौसम भी बहुत ही क्लियर मौसम है, और DSA सामने नगर पालिका, और इसी के साथ साथ ही दोस्तों सामने आपको मस्जिद का फुल दृश्य आपको यहाँ से ही दिखाई देगा, और काफ़ी अच्छा व्यू है। देख सकते हैं इस वक्त सुबह का 6:30 बज रहा है, और आप लोग देखें यहाँ पर काफ़ी लोग खेलते हुए दौड़ते हुए आपको काफ़ी हर वक्त यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि फील्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट वगैरह फुटबॉल काफ़ी सारे गेम यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग अपनी एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकलता हूँ, मैं गुरुद्वारा में पहुँच चुका हूँ, गुरुद्वारे की दर्शन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नैनीताल में ये है गुरुद्वारा, हल्का सा आपको यहाँ से दर्शन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा गुरुद्वारा, तो दोस्तों यहाँ से नंदा देवी टेम्पल्स का दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं निकलता हूँ अंदर की तरफ, यहाँ अभी सफाई हो रही है मॉर्निंग में, थोड़ा जल्दी है। तो सामने हनुमान जी का दर्शन आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर इस वक्त, कुछ इस तरह का सफाई होता हुआ। अभी 6:30 बज रहा है तो सफाई हो रहा है। तो सामने देख सकते हैं मुख्य नंदा देवी टेम्पल्स ये है। तो दोस्तों इस वक्त सुबह ही है, कोई भी श्रद्धालु है नहीं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मंदिर का दृश्य। ठंडी रोड में आरती होता हुआ आप लोग देख सकते हैं, मैं आज आरती कवर कर सकता हूँ अगर बंद नहीं हुआ तो, काफ़ी रनिंग कर मैं यहाँ पर देख सकते हैं शनि मंदिर में आरती होता हुआ, पहुँच नहीं पाया तभी
भी खत्म हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं शनि मंदिर का दृश्य। ऑक्सीजन के लिए पानी का ऑक्सीजन जाता है यहाँ से, और फिश के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लास हाउस मैंने उस दिन दिखाया था, ये देख सकते हैं ग्लास हाउस, और इसके अंदर बैठने का काफ़ी अच्छा है, अंदर जाकर बैठ सकते हैं काफ़ी लोग। जैसे बारिश हो गई, कुछ हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा अंदर जाकर बैठ सकते हैं गिलास हाउस का। तो दोस्तों काफ़ी सारे गिलास काफ़ी मोटे हैं, 3 पीस यहाँ पर गिरे हैं, क्योंकि डबल पहनाया गया था तो ये स्लिप कर गिर गया है। यहाँ पर इसको देखना किसी का वो नहीं है, तो इसीलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर झील का दृश्य। यहाँ पर पानी देख सकते हैं, ये वाटर लेवल नीचे ही है, तो इस तरह का ऑक्सीजन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पानी के बुलबुले आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये क्योंकि झील में ऑक्सीजन प्राप्त तो करते हैं, फिश के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, हाँ ये रहा सामने गोलू देवता का मंदिर। तो दोस्तों शनि मंदिर से जस्ट आगे हैं, और सामने हनुमान जी की मूर्ति मंदिर। तो दोस्तों यहाँ से भी मैं आगे निकलता हूँ ठंडी सड़क की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी अद्भुत दृश्य आपको दिखाई देगा, और काफ़ी सारे मंदिर है यहाँ, आप लोग दर्शन करें और आएँ तो काफ़ी शांतिपूर्ण होगा। तो देख सकते हैं इस तरफ बिल्कुल शांति का माहौल रहता है, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ आए और वॉक करें। तो इस तरह का एक्टिविटी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग में आप लोग देखते हैं तो नेचुरल ब्यूटी देखना हो तो मॉर्निंग का व्यू है इस वक्त बिल्कुल ही क्लियर, कोई भी यहाँ पर वेदर का अपडेट दें बिल्कुल क्लियर मौसम है मॉर्निंग में, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल दिखाई देगा। तो दोस्तों ठंडी रोड में यहाँ पर हल्की सा हवा चलता हुआ, वेदर कहें तो वेदर बहुत ही खूबसूरत वेदर है इस वक्त यहाँ पर। तो दोस्तों कल परसों 3 दिन पहले मैं इसी रोड पर वॉक कर रहा था, तो दोस्तों एक पक्षी अचानक काफ़ी दूर झील में जाकर गिरा, तो छोटा पक्षी था, उसको किनारे होने में काफ़ी अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तो दोस्तों अचानक मेरी नज़र गई तो मैंने उसको रेस्क्यू कर मैंने उसको बचाया, और घर लेकर उसकी जो भी भीगा हुआ था उसके हार्ट को दबाकर, उसने पानी काफ़ी पी रखा था दोस्तों, उसको मैंने ट्रीटमेंट कर घर से बिल्कुल रेडी करके मैंने इसी एरिया में उसको यहाँ से छोड़ दिया था दोस्तों। तो इस तरह का एक्टिविटी और काफ़ी सारा वेदर से नेचर लवर जो भी आप आए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेचुरल ब्यूटी। तो यहाँ पर चिड़ियाओं की शोर शराबा सुनकर काफ़ी सुंदर लगने लगता है दोस्तों, यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर आए और ये ठंडी रोड का आनंद ले वॉक करके। और यहाँ पर क्योंकि गाड़ी नहीं चलता मॉर्निंग में, काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पर, देखे तो काफ़ी चिड़िया ऊपर अपना आवाज़ निकालते हैं, इन आवाज़ को इस ब्लॉग के माध्यम से आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपको यहाँ से रेस्क्यू करके एक पक्षी का जान बचाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो मैंने उसको बचाकर दोस्तों इसी एरिया में मैंने छोड़ दिया था। तो देख सकते हैं दोस्तों ठंडी रोड में इस तरह का फ्लावर्स भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ही आप लोग झील का दृश्य आप लोग देख सकते हैं इसी जगह पर, यहाँ काफ़ी आगे। तो दोस्तों एक पक्षी गिर गया था, उसको तैरने में पंख उसके गीला हो गए थे और तैर नहीं पा रहा था, तो दोस्तों मेरी नज़र अचानक गई, मैंने काफ़ी डंडे के सहारे पीपी में उसको रेस्क्यू कर उसको ठीक कर उसको इसी जगह में मैंने छोड़ दिया था। तो दोस्तों इस तरह का एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ठंडी रोड पर यहाँ पर देख सकते हैं वॉक करते हुए काफ़ी लोग जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी रिस्की है, मिट्टी देख सकते हैं लैंडस्लाइड की तरह फिर से आया है, अगर यहाँ पर जाते हैं तो फटाफट से पार करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिट्टी आ चुका है यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ से जाएँ तो जल्दी जल्दी आप किनारा हो जाएँ।
तो दोस्तों यहाँ पर पसार देवी मंदिर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लोग वॉक करते हुए यहाँ पर सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा धूप नहीं आने के कारण थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा, लेकिन असली व्यू आप लोग देख सकते हैं सामने, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है, यहाँ पर से आपको देखिए मैं काफ़ी नीचे आकर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पंप हाउस है, यहाँ पर झील के लिए ऑक्सीजन यहाँ से जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर खूबसूरत सा पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके से इसके ऊपर आए आप लोग एक्सरसाइज वगैरह, यहाँ से बैठने का काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं इस तरह का है यहाँ पे, ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये पॉइंट है, यहाँ पर आए घूमें एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों ये ठंडी सड़क पे इस तरह का बैठने का एक्टिविटी और मंदिर में दर्शन करने का काफ़ी अच्छा अनुभव, यहाँ से जाएंगे कोई भी शोर शराबा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मौसम की अपडेट चाहें तो आज बिल्कुल क्लियर वेदर है, दो दिन से काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है इस वक्त, नैनीताल घूमने आने का सही समय है। जो भी लोग यहाँ आए तो बहुत ही आनंद उठा पाएंगे इस वेदर का, काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग आते हुए सब लोग बैठकर यहाँ पर अपना योगा वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा धूप खिल चुका है, धूप के तरफ काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखाई देगा, क्योंकि आजकल 7:45 के आसपास ठंडी रोड में धूप आ रहा है, क्योंकि धूप का टाइम भी काफ़ी लेट हो चुका है, और टाइम में 6:30 बजे 6:15 बजे धूप आ जाता है आज दोस्तों, क्योंकि धूप की 7:45 में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सफाई होता हुआ ठंडी सड़क में सफाई कर्मचारी, ये वाला पक्षी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसी पक्षी को मैंने पकड़ा था, तो ये इसकी आवाज़ ये रहा देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर धूप खिलने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा, बहुत ही गजब का व्यू है। यहाँ पर अक्सर चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग भी वॉक करने आते हैं शांति के लिए, काफ़ी अच्छा व्यू। तो दोस्तों इस तरफ धूप खिल चुकी है, सामने का व्यू आप लोग देखिए तो बहुत ही गजब का वेदर क्लियर है। तो अभी धूप आएगा आ ही रहा है, तो आता है तो काफ़ी अच्छा आपको व्यू यहाँ से दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ से नेचुरल व्यू आपको देखना हो तो इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर से गजब का व्यू आपको नेचुरल हवाओं का लुत्फ़ उठाए, हवा यहाँ का स्वस्थ रहने और मस्त रहने के लिए बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर की एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सभी लोग तो देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर, इन आवाज़ को सुनते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर कई सारे वर्ड्स हैं, उनकी आवाज़ नेचुरल आवाज़ रहेगी दोस्तों, यहाँ पर ठंडी रोड में सभी चीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं बिल्कुल शोर शराबे से दूर।
इतना क्लियर वेदर है और ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, क्योंकि एक ही जगह से पूरा नैनीताल को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का व्यू, धूप आ चुका है तो इस तरह से दिखता है। यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा पेड़ों में पत्ते नया नया कुछ लाल लाल हल्के से हरे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये ठंडी सड़क के पास, तो दोस्तों मैं नंदा देवी टेम्पल्स के जस्ट पीछे, तो यहाँ पर एनसीसी के बच्चे वार्म अप करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों जस्ट नंदा देवी टेम्पल्स के पीछे, तो दोस्तों यहाँ पर खूबसूरत बुद्धिस्ट फ्लैग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा और काफ़ी शानदार व्यू है और जितना हवा चलता है यहाँ पर अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीसी के वार्म अप करते हुए आप लोग को यहाँ पर दिखाई देंगे। काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पर, रोज ही इस तरह का एक्टिविटी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धिस्ट फ्लैग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके का ठंडी सड़क में यहाँ पर इस तरह का व्यू है। यहाँ पर आए बैठने का आप लोग देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर। तो दोस्तों मैं निकलता हूँ झील की तरफ। यहाँ पर बोट स्टैंड है और मंदिर के पीछे यहाँ पर एनसीसी के बच्चे लोग वो करते हुए, तो दोस्तों यहाँ पर एनसीसी के बच्चे वार्म अप करते हुए आपको, इतने सारे रोज़ यहाँ पर वार्म अप होते हैं आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर नो एंट्री लिखा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एंट्री करूँगा नंदा देवी टेम्पल्स का बैक साइड दिखाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नंदा देवी टेम्पल्स का बैक साइड में से भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है दोस्तों मॉर्निंग में। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग प्रैक्टिस करते हो, आप लोगों ने देखा अक्सर यहाँ पर जितने लोग भी खेलने आते हैं, बहुत ही क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, सभी लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये दृश्य मॉर्निंग का, बहुत ही गजब का व्यू होता है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं निकला सब्जी मंडी के पास और यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा सलून की दुकान आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही गजब का प्यारा सा सलून है। यहाँ पर मेरे भाई मिलेंगे। हेलो, कैसे हैं? कैसे दादा, ठीक हो? कैसा हो रहा है काम, कैसे हो रहा है? फर्स्ट क्लास। तो मैं काफ़ी दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। तो इससे पहले कहाँ कहाँ गए थे आप? मुंबई में सब्जी मंडी के पास आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आए जिस तरह की कटिंग चाहे आप लोग ऐसा कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कटिंग करते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ सब्जी मंडी के पास है ये, तो आप लोग बड़ा बाजार में टमाटर वगैरह बहुत इस तरीके से मिलेगा। ओहो, कहले आइयो? अरे मैं एक दुई हफ्ता से तेरे बस है नेपाली। पाँच महीना कहाँ सम्म गई? ल ठिक छ, अब आएर बस तरकारी बेच्ने है, अब मजाले भेट हुन्छ हाम्रो है। त आज मन्डीमा साह्रै भिड छ है, यस्तो छ यहाँ देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर सब्जी मन्डी, सब्जी बिन 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 20 का आधा किलो बोलो बोल बोल 1 किलो 30 2 किलो 50 का कति टमाटर कसरी हो? टमाटर 1 केजी 30 का। अच्छा चलो सस्तै छ आज भने है। नंदा देवी टेम्पल्स है, तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी अच्छा दृश्य है। तो दोस्तों मैं मेरे चेहरे में काफ़ी धूप पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग का एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तो दोस्तों ब्लॉग एंड करने से पहले, तो दोस्तों कूड़े को कूड़ेदान में डालें, जहाँ तक आपको डस्टबिन ना मिले वहाँ तक अपना कूड़ा अपने पास रखें। तो दोस्तों ये संदेश हम आप सभी तक पहुँचे, इसलिए हम डेली अपडेट इस पर देते हैं। तो अपने आसपास के शहरों में किसी भी जगह में इधर उधर कूड़ा ना फेंके, कूड़ा अपने पास रखें, जहाँ तक आपको डस्टबिन ना मिले वहाँ तक अपना कूड़ा अपने पास रखें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।